इस फिल्म में अभिनेता कुछ दृश्यों में मास्क नहीं पहने हुए हैं, यहां उन्हें कहानी के अनुसार पहनना आवश्यक है। ये रचनात्मक स्वतंत्रता दर्शकों को बिना किसी बाधा के अभिनेताओं के प्रदर्शन का पूरी तरह से आनंद लेने के उद्देश्य से ली गई है। पूरी फिल्म निर्माण के दौरान कोविड के उचित व्यवहार और सभी आवश्यक सावधानियों का पालन किया गया है। इसको साले को तो मैं अलग से बताऊंगा, ठीक है? अरे भैया, ये तो टीवी में दिखाते हैं, ये कहाँ से मिला आपको? सेंटर में सप्लाई करने वाला आया था ना, उसी से लिया। अच्छा, अरे यही तो फायदे हैं गवर्नमेंट जॉब के। अब बताइए, ये सब चीजें ना आपको फ्री में मिल जाती हैं। हाय मेरे बादाम, पूरे 800 रुपए किलो थे, बताइए, सारे बर्बाद हो गए। बस आइए सर। आप यहाँ के इंचार्ज हैं जी? भाई रास्ता बहुत खराब है, आप रोजे यहाँ आते हैं? लगता है फंसा दिए गए हैं सर यहाँ पर। और ये जंगल में सर कहाँ किसको कोरोना होने वाला है सर यहाँ पे? 2 गज की दूरी बहुत जरूरी, महिला वार्ड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल जंगल में फूल खिला है सर। ये क्या है? ये यहाँ पे हम फूड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, लोग वहां से खाना लेते हैं। और मेन्यू सर? आशीष सर, इतवार की शाम को मनोहर की पकौड़ियां और चाय पे पॉलिटिकल साइंस पे आपका सेशन, क्या टाइम था वो भी। मिश्रा जी जी, पॉलिटिकल साइंस की जिन किताबों से हम रात दिन जूझा करते थे ना सर, उन किताबों को कॉमिक बुक की तरह पढ़ के किनारे लगा दिया करते थे। तो सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे सर का आईएएस का भी एक अटेम्प्ट बाकी है, पीसीएस ईसीएस तो सर को सूटे नहीं करेगा। नहीं, अब मैं आईएएस नहीं ले रहा। सर वो नेहा मैडम कैसी हैं? शी हैज जॉइन आईएफएस, गेटिंग मैरिड टू सचिन। सचिन? अच्छी गाड़ी है सर, वो पिछले साल शादी हुई ना उसी में मिली। अरे सर अपना वो अमन अग्रवाल डीजे, अरे उसने तो फॉर्च्यूनर मान ली सर। सॉरी सर, कॉल मार्क्स पड़ा है, याद भी है सर, लेकिन अब ससुराल वाले हैं सर, जबरदस्ती रख गए, अब क्या कर सकते हैं। मेरे लायक कोई काम हो तो बताइए सर। बहुत गर्मी है यहाँ पे, कुछ फैन चाहिए थे। हो जाएगा सर, हो जाएगा। चल मिश्रा जी चलते हैं सर। क्या सचिव जी, आईएएस भी नहीं बने, लड़की भी नहीं मिली? आत्महत्या तो करना बनता था गुरु। तुम जरा कुछ सोच समझ के बोला करो, कुछ भी बक देते हो। क्या हुआ सर? ऐसा है, 8-10 पंखों की व्यवस्था करवाओ। 8-10 पंखे क्यों सर? मिश्रा तुम अभी जिस शख्स से मिले थे ना, ये वो शख्स था जिसके सामने हम जैसे लोग खड़े भी नहीं हो सकते थे, और तुम कह रहे हो 8-10 पंखे क्यों? नहीं नहीं, आप जहां कहेंगी वहीं चला जाएगा, हम आपके साथ ही बर्थडे मनाएंगे। भैया जी चाय।
भेजी उस सिगरेट बाहर पी लेते। जरा फोन रखिएगा। क्या सिगरेट बाहर पी लेते सचिव जी? हम बाहर सिगरेट पिए? नहीं, उस सचिव जी बोले थे। भाई दो कौड़ी का सचिव कहेगा कि हमारे सर पे मुंह तो तुम सर पे मुतोगे, सर पे मुतोगे। वहीं रुक जाओ, जितना दौड़ेगा उतना कचरा। क्या हो रहा है? भूल गया तुम अपनी क्या ये है सचिव? तुम अपनी नौकरी करो, बता रहे हैं तुमको, हमारे सोशल सिस्टम में मत घुसो। एक मिनट एक, ये सीधा सेम ऑफिस जाएगा। ब्राह्मण अपवित्र हो गया। पंडित जी देख रहे हैं, आपका मोबाइल छू लिया ना उसने, तो अब अपने आप को पवित्र कर रहा है साला। 14 दिन में नई रामायण लिखी जाएगी, आप लोग इन्हीं छूत जातियों के साथ सोएंगे और एक ही थाली में खाएंगे। हमारे पुरखों ने जो व्यवस्था बनाई है ना, सब मिट्टी में मिल जाएगी। या आई नो इट्स नॉट लीगल, बट अभी जरूरत है इस चीज की। यार वी कांट प्रेडिक्ट एनीथिंग नाउ। हमने कभी इमेजिन किया था कि एक दिन पूरी दुनिया इस तरीके से एक साथ रुक जाएगी, पर हुआ ना। ट्रस्ट मी, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो पूरी जिम्मेदारी मेरी, पर ये काम करवा दो। थैंक यू जी। पंडित जी बताइए। सचिव जी, पगड़ी और चप्पल एक ही अलमारी में नहीं रखे जाते। मतलब कि हम उन छुटजतियों के साथ नहीं रह पाएंगे, हमारी अलग व्यवस्था करवा दीजिए। क्या फालतू बात कर रहे हैं? ये तुम्हारे लिए फालतू बात हो सकती, हमारे लिए जान लेने और देने की बात है। सचिव जी, आप अपना नियम फॉलो करवाइए, लेकिन हमारा धर्म भ्रष्ट करवा के नहीं। आप उन छूट जातियों को दूसरे हाल में व्यवस्था करवा दीजिए। पंडित जी, हमें नहीं कर पाएंगे। सोच लो, हर समय कैमरा लेके नहीं खड़े हो पाओगे। सचिव जी, का दिक्कत है? उनको दूसरे वाले हाल में कर देते हैं। पर क्यों करना है? अरे नहीं करेंगे तो वो पंडित जी, प्रकाश और प्रधान जी की वजह से कुछ ना कुछ दिक्कत बनी रहेगी। अच्छी तरह से एक बात समझ लीजिए, इस गांव के प्रधान आप, वो राहुल नहीं। अरे हम तो समझ ही रहे हैं, हम समझ रहे हैं, आप उनकी राजनीति नहीं समझ रहे हो। और जो जब ये पूरा साफ हो जाएगा ना, तो जो ईंटें हैं ईंटों के साथ इसको बाहर वहां फेंक। एक समस्या है, वो लोग ऊंची जात नीची जात करें, तुम लोग हिंदू मुसलमान करो, कहां तक लेके जाना है इसको? साफ दिक्कत है इनके साथ, ये लोग एक साथ 100-200 लोगों को कोरोना दे देते हैं। इनके अंदर कोरोना है? इनके अंदर कोरोना है? हाँ, हम खुद देखे अपनी आंख से। कहां देखियो? व्हाट्सएप पे। अरे हम इंसान हैं, हमारे पास दिमाग है, हम सोच सकते हैं कि क्या गलत है और क्या सही। दादा आप लोग इधर आ जाओ। विनोद। हाँ साहब। भाई तबीयत कैसी है? साहब बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है। प्रधान जी इनको एक कंबल दीजिए। ठीक।
आपके यहां से कोई टेस्ट करने के लिए नहीं आया? नहीं नहीं नहीं, नहीं। पहले आप मेरी बात सुनिए। एक तो यहाँ आसपास के गांव में कोई डॉक्टर नहीं है, और दूसरी बात ये आप ये हर बार डिस्टेंस की प्रॉब्लम मत बताया कीजिए। उस दिन मीटिंग में आप भी थे ना, तब तो डिस्टेंस कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो आज भी नहीं होनी चाहिए। अब तो जो भी जरूरी है वो सब करना पड़ेगा। मैं आज शाम को रिपोर्ट भेजने वाला हूँ। अगर आज टेस्ट नहीं हुआ तो रिपोर्ट में वही लिखूंगा जो आपने मुझे बताया। अब सोच लीजिए। हेलो, अरे नल चलाओ। अबे ओ भैया ने तुमसे कुछ बोला ना? भैया 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 तुम सबका दिमाग खराब हो गया। भैया इनकी तबीयत खराब है। मार साले को। ऐसा लिया जिंदगी ने, सब है बदला सा, सब है धुंधला सा, खुद से वास्ता है भी नहीं क्या पता, चल रहा हूँ मूंदे आंखें लड़खड़ाता सा संभला हुआ, आगे क्या होगा खुदा तू ही बता, जानू न मैं, जानू न जो भी हासिल क्या वो है सही, खुश हूं मैं शायद शायद नहीं, उलझनों में होकर सुलझाऊं मैं, क्या माया है रब की समझू न मैं, पहलू जिंदगी के और कितने बाकी हैं, जानू न मैं, जानू न मैं, आगे क्या होगा खुदा तू ही बता, जानू न मैं, जानू न मैं, जानू न मैं।